नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत उपखंड कार्यालय सागवाड़ा में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने दौरा किया। डूंगरपुर जिले की जिला कलेक्टर के रूप में बागडोर संभालने के बाद शुभम चौधरी का यह पहला दौरा है। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि बेसिक रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और रूरल डेवलपमेंट इश्यूज से संबंधित चर्चा को लेकर उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा और विकास अधिकारी से बैठक ली। जी, अभी मीटिंग हमने स्टार्ट ही करी है। आज की एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है विद SDM एंड तहसीलदार इन BDO, और इसका एम है कि यहाँ का बेसिक जो रेवेन्यू के अगर कोई इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के कोई इश्यूज़ हैं और रूरल डेवलपमेंट से कोई रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनके बारे में जानकारी लेना और जो भी उचित निर्देश हैं वो देना। तो जो अभी SDM साहब हैं वो मुझे बता रहे हैं इस बारे में, रेवेन्यू और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और CEO ज़िला परिषद भी मेरे साथ में हैं, और BDO साहब को जो भी स्कीम्स हैं, स्पेशली नरेगा, यहाँ पे लेबर का काफ़ी हाई एम्प्लॉयमेंट रहता है पूरे ज़िले में, तो उसके बारे में स्पेशली इंस्ट्रक्शंस देना और बाकी स्कीम्स का भी एक रिव्यू और इंस्ट्रक्शंस देना ताकि हम बेस्ट प्रोग्रेस में अचीव कर सकें। ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल से लेकर कोई विशेष योजना लोगों के लिए? जी, ये TAD में विभिन्न योजनाएं ट्राइबल्स के लिए हैं और उस पर भी एक डिस्कशन SDM और BDO के साथ इस मीटिंग में हम लोग रखेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।